गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों नमस्कार। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पास्ट परफेक्ट टेंस। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में दोहरे वाक्यों को पढ़ाने जा रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में दोहरे वाक्य आते हैं जिसमें पहले बीच में शब्द जुड़ा होता है और बाद भी शब्द जुड़ा होता है। जैसे आपने पढ़ा था कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, इस वाक्य में पहले बीच में आया, और सूरज निकलने के बाद वह दफ्तर जा चुका था, तो इसमें बाद शब्द आया है। तो पहले जिसमें आया उसके बनाने का नियम अलग है, और जिन वाक्यों में बाद शब्द आता है उन वाक्यों को बनाने का नियम अलग है। क्या नियम है तो समझेंगे। भूतकाल के दोहरे वाक्यों में बाद शब्द बीच में आने पर, बाद शब्द बीच में आने पर जो दूसरे नंबर पर वाक्य आता है, तो उस बाद वाले वाक्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग, इस प्रकार से करके पहले लिखते हैं। तथा जो पहले वाक्य आया है उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट मीन्स सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग, तो पास्ट परफेक्ट में करके बाद में लिखते हैं। तथा जो बाद शब्द बीच में आया है उसकी अंग्रेजी आफ्टर बीच में ही लिखते हैं। अब देखिए, रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग, ये इस रूल के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसलेशन बनाना है। अब एग्जांपल देखिए, पिताजी अतिथि के आने के बाद ऑफिस गए थे। पिताजी अतिथि के आने के बाद ऑफिस गए थे, तो जो काम बाद में, ये ऑफिस के बाद ऑफिस गए थे, ये बाद में आया है, तो इसका ट्रांसलेशन आपको पहले करना है। और किस में करना है? पास्ट इंडेफिनिट में करना है। पिताजी अतिथि के आने के बाद, इस वाक्य को आपको बाद में लिखना है और पास्ट परफेक्ट में लिखना है। तो द फादर वेंट टू द ऑफिस, द फादर वेंट टू द ऑफिस, ये जो हमने वाक्य ट्रांसलेशन किया है, पिताजी ऑफिस गए थे, बाद में गए थे, तो इसका ट्रांसलेशन पहले कर लिया हमने। अब अतिथि के आने के बाद, यानी अतिथि पहले आए हैं, तो जो काम पहले हुआ वो बाद में लिखा जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और आफ्टर बीच में जोड़ दीजिए। आफ्टर, अब अतिथि, द गेस्ट, जी यू ई एस टी एस, द गेस्ट हैड ऑना की कम केम कम। तो पूरा ट्रांसलेशन देखिए, द फादर वेंट टू द ऑफिस आफ्टर द गेस्ट हैड कम, फुल स्टॉप हो जाएगा। अब देखिए दूसरा ट्रांसलेशन, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था, तो अब रोगी मर गया था, इसका ट्रांसलेशन करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में।
और डॉक्टर की आने आने को करेंगे बाद में पास्ट परफेक्ट में। तो द पेशेंट डाइड डाई डाइड डाइड द पेशेंट डाइड आफ्टर द आफ्टर आ जाएगा इसमें बात की। डॉक्टर हैड कम केम कम, ये दो प्रकार से वाक्य बना। एक बनता है कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, उसमें पहले आया, इसमें आया डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था। तो ट्रांसलेशन अलग अलग है दोनों की, ध्यान से समझेंगे। खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया था, इसको आपको बनाना है। खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया, तो रमेश वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड टेकन हिज फूड। आफ्टर ही हैड टेकन हिज फूड, इस प्रकार से ये पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव के साधारण वाक्य और दोहरे वाक्य हुए। अब नंबर टू है नेगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक वाक्य। तो सभी वाक्यों का नकारात्मक बनाने के लिए हेड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, हेड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिए। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग, इसमें ध्यान रखना है आपको। रूल में नॉट नहीं लिखा है लेकिन नॉट लिख लेंगे आप। अब एग्जाम्पल, किसान अपने खेत नहीं जोत चुके थे, तो द फार्मर्स हैड नॉट और प्लाउड हो जाएगा पी एल ओ यू जी एच डी। द फार्मर्स हैड नॉट प्लाउड, अब फार्मर्स प्लूरल नंबर है तो थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर दे होता है, दे का देयर हो जाएगा अपने की अंग्रेजी। द फार्मर्स हैड नॉट प्लाउड देयर फील्ड्स, अब देखिए पक्षी आकाश में नहीं उड़ चुके थे। द बर्ड्स हैड नॉट फ्लाई फ्लू फ्लॉन एफ एल ओ डब्ल्यू एन, द बर्ड्स हैड नॉट फ्लॉन इन द स्काई। इस प्रकार से बच्चों आपको ये ट्रांसलेशन बहुत सावधानी पूर्वक अपनी कॉपी में बनाने हैं। और स्कूल वाली कॉपी में इनको लिखना भी है। क्योंकि जब तक आप इनको ट्रांसलेशन को ठीक से कॉपी में नहीं लिखेंगे, नहीं बनाएंगे, तब तक आपका अभ्यास नहीं होने वाला। अभ्यास है न विद्या, संस्कृत की सूक्ति है, अभ्यास है न विद्या, अभ्यास से विद्या आती है। और विद्या आपके अंदर आएगी तो विद्या से विनम्रता आएगी। विद्या ददाति विनयम, विनयाति याति पात्रताम, पात्रत्वाम धनम आपनोति और धनाद धर्मा तथा सुखम। तो अभ्यास से विद्या आती है और विद्या से विनम्रता आती है, और विनम्रता से ज्ञान प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, और धन से आप धर्म कर सकते हैं, और जब धर्म होगा, धन होगा, तो सुख की प्राप्त होती है। इसलिए बच्चों आप इस चीज़ को बहुत सावधानी से अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करने से विद्या आती है और दूसरे बच्चों को बताने से भी आती है। सो प्रयास करें। थैंक यू।